खाने के बाद और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ गया मोकामा वाली रोड पे। ये गया मोकामा वाली रोड है और अभी मैं खड़ा हूँ ब्रह्मकुंड के गेट के ठीक सामने। यहाँ पे ब्रह्मकुंड है जहाँ पे लोग गर्म पानी वगैरह का कुंड है, बहुत सारे कुंड है, सीता कुंड वगैरह, तो वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। अभी मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आया था, 20 रुपये मुझे लगे, और यहाँ से मैं आपको आज घुमाने वाला हूँ ग्लास ब्रिज यानी कि स्काई वॉल ब्रिज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं राजीव मिश्रा ब्लॉग। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया यहाँ से यहाँ की फेमस सवारी, जिसे कि आप घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, बग्गी कह सकते हैं, टमटम कह सकते हैं। तो यहाँ से 30 रुपये किराया लगेगा आपको ग्लास ब्रिज के गेट पे पहुँचने के लिए, फिर वहाँ जाके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो टमटम वाले ने हमें मेन रोड के पास ही छोड़ दिया जहाँ से मुड़ते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पैदल हम लोगों को चलना पहुँच चुका हूँ गेट पे, नेचर सफारी के गेट पे, जहाँ से ग्लास ब्रिज के लिए आपको टिकट मिलेंगे और यहाँ से फिर बस से आपको अंदर जा सकते हैं। बस का किराया भी 50 रुपये आपको लगना है। तो ये देख सकते हैं आप लाइन, अभी गेट खुली नहीं है, काउंटर 8 बजे खुलता है। वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी लाइन में लगा हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है, आपको बस की टिकट लेनी होगी अंदर नेचर सफारी के अंदर जाने के लिए। 50 रुपये का टिकट होता है जो कि आपको अंदर लेके जाएगा और फिर वही बाहर लेके आएगा। एक पर्सन यानी एक फैमिली को 4 टिकट अलाउ है, यानी एक पर्सन जो लाइन में लगेंगे उनको 4 ही टिकट दिया जाएगा मैक्सिमम। ये देखिए टिकट काउंटर, और ये बैरिकेडिंग है, इसके बाहर ही आपको रहना होता है, और जब आपकी टिकट कट जाती है फिर आप अंदर आ सकते हैं दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना एंट्री टिकट कट चुका है बस का, और यहाँ अपना वेलकम कर रहा है ये बोर्ड। यहाँ पे 800 टिकट जो है वो पर डे का कैपिंग है, इसके बाद जो है आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो सुबह सुबह आ जाएं, लाइन में लग जाएं और टिकट ले लें, ठीक है। यहाँ पे फिर बस का इंतज़ार करते हैं, बस आएगी फिर अंदर चलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ से बस ले ली हम लोगों ने और एक्साइटिंग लेवल सभी का यहाँ पे हाई है। एक बार चीयर गाइस। जो देख रहे हैं सभी लोग बिहार से आए हुए हैं और एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने देखा ही। तो चलिए, आप आगे बहुत ही मजा आने वाला है, इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नेचर सफारी के गेट पे। 7 किलोमीटर डिस्टेंस है वो मेन गेट से अंदर तक आने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो ये ग्लास ब्रिज का टिकट काउंटर है, 125 रुपये देने होंगे आपको यहाँ पे टिकट लेने के लिए। टिकट तो मैंने ले लिया है। यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, सभी के काउंटर्स अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये अंदर का गेट,
चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, बैग्स यहाँ जमा करना। तो बैग जमा कर रहे हैं तो अपना टिकट चेक हो चुका है। चलिए यहाँ से शुरू होता है ग्लास ब्रिज। बिहार का ये व्यू, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई। ये देखिए वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज। ओ भाई साहब क्या गहरा है यहाँ से। सपोर्ट दे तो नहीं लिया, कैसे कैसे लिया है। तो ये है बस बिहार का व्यू जो आपको मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम दिखाएंगे क्योंकि ये है अपना बिहार। ऑल आर इनवाइटेड टू बिहार टूरिज्म। आइए नालंदा के इसमें यहाँ पे घूमिए ग्लास ब्रिज पे और अपने बिहार के कल्चर को देखिए। ये ब्रिज जो कि पहले एकमात्र चाइना में हुआ करता था और अब आप अपने बिहार में भी है। इसका टिकट मात्र आपको 125 रुपये का लगना है और फील तो आपको अनलिमिटेड फील देता है। ये हिलता भी है थोड़ा सा। यहाँ पे बंजी जंपिंग होना चाहिए था। प्लीज प्रमोट बिहार टूरिज्म। अब आपको उत्तराखंड या अदर भी जगह जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उसकी तरह आप बिहार को भी डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए थैंक्स फॉर बिहार गवर्नमेंट। तो इस वीडियो का जो है बहुत दिन से इंतजार था मुझे भी और आप लोगों को भी, तो फाइनली आज ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिएगा और यहाँ एक बार जरूर घूमने आइएगा। सब निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की ओर। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पे है सस्पेंशन ब्रिज जो कि हैंगिंग ब्रिज है। और ये है लक्ष्मण झूला जो कि हैंगिंग ब्रिज है। वाह गजब यार, यार ये तो पूरा हिल रहा है। ओह माय गॉड ये तो पूरा हिल रहा है। ओ भाई साहब ये तो बीच में आने के बाद और ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिलता है तो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो आपको विश्व शांति स्तूप की देखने को मिलेगी। तो फिर बाय बाय एंड टेक केयर।